Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप खोल लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट प्रिंट कमेंट में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से अगर आप अकाउंट खोलोगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड कर लेनी है ऐप और जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, आपकी जो अकाउंट है वो खुल जाएगी। उसके बाद आप ऐसे ऐप खोलोगे तो होम पे आएंगे। तो जैसे ये मैं एंजल वन के होम पेज पे हूँ ऐप में, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। यहाँ पे ये है मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी में और म्यूचुअल फंड्स में, ये है मेरा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं होम स्क्रीन पे। और उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी IPO की, तो IPO पे सिलेक्ट कर लेते हैं। IPO सिलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर है, देखिए यहाँ पे ओपन IPOs। ओपन IPOs में जो IPOs ऊपर खुले हुए हैं, मेन बोर्ड जो IPOs हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक में अप्लाई कर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये मुझसे पूछ रहा है, देखो आप अपना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। क्योंकि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है ये कठिन लगे, इसलिए मैं आपको किसी दूसरे IPO का वो इनिशियल प्रोसेस दिखा देता हूँ। पीछे जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखिए सीगल इंडिया लिमिटेड भी है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये देखिए नंबर ऑफ लॉट्स पूछेगा, तो यहाँ पे आपने जितने भी लॉट्स लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं, कर दो चाहे प्लस कर दो जितने आपको चाहिए। ये देखिए डिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकते हैं, तो ऐसे ही आप अप्लाई कर देना। तो मैं ये अभी इसको वापस एक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे अपनी UPI ID डालनी है। जो भी UPI ID डालेंगे आप उसी UPI ऐप के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसको आपने अप्रूव करना है, तभी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ, टॉप IT गाय @YBL। तो ये मेरा फ़ोन पे का UPI है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपके नाम पे बोल रहा है या नहीं। ये देखिए वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, पंकज शर्मा नाम से बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर IPO। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद आपको आपके ऐप में जो भी फ़ोन पे या फिर गूगल पे या कोई भी ऐप आपने यूज़ किया, जिसकी भी UPI आपने यहाँ पे डाली, उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपने अप्रूव कर देना है, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। उसके बाद आपने वापस आना है और वापस आके आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले। तो ये है ऑप्शंस, ठीक है। तो ऐसे आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो। तो ओला इलेक्ट्रिक की अभी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या क्या है इसमें इस टाइम पे, तो वापस चले जाते हैं IPOs के अंदर आते हैं। यहाँ पे गए हम लोग और 72 रुपये से लेकर 76 रुपये की बिड रेंज है, 195 शेयर्स मिलेंगे आपको, 6145 करोड़ का इशू साइज है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 13 लॉट्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। अगर आप नए हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तभी आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो, और यही एक सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपने ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो। अगर आपको IPO लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता है तो आपका जो पैसा कटता है अकाउंट से एक्चुअली पैसा कटता नहीं है, उस पैसे को रिजर्व कर लेते हैं बैंक में, और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तभी वो पैसा रिलीज़ करते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन अपनी जो सक्सेसफुल नहीं होती तो आपका जो लॉक लगा होता है पैसे पे वो अनलॉक हो जाता है और पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये है प्रोसेस, अगर कोई सवाल हो आप मुझे पूछिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।